लिए ना आपको टाइम देना पड़ेगा। ये नहीं है कि आप 2 दिन पढ़े, 3 दिन पढ़े, चौथे दिन पढ़े फिर छोड़ के चले गए। देखो कुछ भी आपके सामने क्या होगा, कोई भी मुसीबत आएगी तो उसको सामना करना ही करना है। हम यही करते हैं, कुछ भी मुसीबत अपने सामने आए तो हम उससे भाग जाते हैं। तो 3 दिन 4 दिन लेक्चर दिया, थोड़ा नहीं समझ में आया, थोड़ा ऐसे ऊपर से गया तो छोड़ देते हैं, पूछते नहीं है। फिर वो आगे चल के आपको दिक्कत क्रिएट करेगा, फिर क्या होगा, 2 4 5 लेक्चर देने के बाद आप छोड़ जाओगे। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, ह्यूमन टेंडेंसी होनी चाहिए। आप बताओ यार, जीने का मजा ही क्या है जब आप डेली के डेली जैसा सोचो वैसा ही हो जाए। आप सोच रहे हैं मैं घर से बाहर जाऊंगा, मुझे बस स्टैंड पे जाऊंगा, 5 मिनट में बस मिल जाएगी। 5 मिनट में बस मिल गई तो जीने का क्या मजा है। घर पे आपने रात में सोचा मुझे कल आईफोन चाहिए, अगले दिन मिल गया, नहीं मिले तब मजा है। उसके लिए कुछ एफर्ट करो यार, आईफोन नहीं मिल रहा है इसके लिए, कमाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, तो मैं आईफोन ले लूंगा। जैसा सोचोगे वैसा नहीं हो तो बेस्ट है। आप उसके लिए एफर्ट करो, फिर वो एफर्ट करके कुछ ले आओगे, हासिल करोगे, तो वो ज्यादा बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं अपन। देखो ये हो गया वन स्मॉल स्क्वायर से, मतलब वन स्मॉल स्क्वायर ये रहा, ऐसे ही 25 स्मॉल स्क्वायर मिलके एक लार्ज स्क्वायर बना देंगे। तो मैंने क्या किया, इस स्मॉल स्क्वायर को यहाँ पे आके पुट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे पुट करने के बाद आप ध्यान से देखना, ये मैं भी इरेज कर रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये भी एक अपना स्मॉल स्क्वायर है। तो वन स्मॉल स्क्वायर एंड 25 स्मॉल स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा, इक्वल वन लार्ज स्क्वायर। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं हम, देखो 1 2 3 4 5, 5 स्मॉल स्क्वायर है। अब क्या करेंगे, जो 5 5 स्मॉल स्क्वायर है ना, इनके बीच की जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस सारे के बीच की, इसके बीच की डिस्टेंस देख लो, इसके बीच की डिस्टेंस देख लो, इसके बीच की डिस्टेंस देख लो, इसके बीच की। अब बताओ अगर स्क्वायर है तो क्या सारे के बीच की डिस्टेंस सेम रहेगी? बिल्कुल रहेगी। स्क्वायर का ये रूल होता है कि चारों उसके जो साइड्स है वो सेम रहते हैं, जितना इसका है उतना इसका होगा, उतना इसका उतना इसका, सबका सेम है। ये होता है कितना होता है, 0.04 सेकेंड। क्लियर है, 0.04 सेकेंड। अब इसको मैं मिली सेकेंड में बदलूंगा तो बताएगा कितना होगा, कितने मिली सेकेंड होगा, कोई भी एनीवन? 1 मिली सेकेंड, 1 सेकेंड में कितने मिली सेकेंड होते हैं? सॉरी, 10 नहीं होंगे। आप बताओ 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं? 1000। हजार, बिल्कुल 1000। तो 1 सेकेंड में 1000 मिली सेकेंड होंगे, तो 0.04 सेकेंड में 1000 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, कितना आएगा कोई बताएगा? इसको 4 को इसको छोड़ दो पहले, 4 को किससे करो, 1000 से मल्टीप्लाई करो, 4 को 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 2 एंड 3, 4000 आएगा। 4000 के बाद देखो क्या बता रहा है कि आपको क्या करना है, एक इस पे पॉइंट लगा देना है, तो कितना आ जाएगा, 400, कितना आ जाएगा, 400 मिली सेकेंड का। क्लियर है, कितना ही आएगा क्या, सर 40 आना चाहिए था। 40 आएगा क्या? अच्छा ये 1 2 2, ठीक है ठीक है, ये 1 2, दो जो पॉइंट है ना ये 2 डिजिट पे है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो अपने पास 3 डिजिट है ना, तो 1 एंड 2, 2 डिजिट छोड़ के यहाँ पे पॉइंट लगा दो, तो क्या आ जाएगा, 40 मिली सेकेंड। अब सही है ना? सही है सर। यस सर। मल्टीप्लाई ऐसे करते हैं कि इसका इसके साथ कर दो, उसके बाद जितने डिजिट पे पॉइंट है ना उतने डिजिट पे पॉइंट लगा दो, 1 एंड 2 डिजिट पे पॉइंट है तो 1 और 2, 2 डिजिट पे पॉइंट लगा दो, 40। तो अपना जो ये एक स्मॉल स्क्वायर के बीच की डिस्टेंस ये अपने को बताती है, कितना टाइम बताएगी, 0.04 सेकेंड, या ये इक्वल होता है 14 मिली सेकेंड के। ठीक है, तो आप जब ईसीजी पेपर देखोगे ना, तो प्रेजेंट टाइम के ईसीजी पेपर में आपको मिली सेकेंड्स में देखने को मिलेगा, पहले आपको 0.04 सेकेंड्स में देखते थे, लेकिन हमने अपडेट कर दिया, अभी की जो मशीन आते हैं उसमें अपडेटेड मिलता है, उसमें आपको 400 500 40 200 500 मिली सेकेंड्स में देखने को मिलेगा। तो जब भी आपको ये वैल्यू याद है ना, तो आप ये वैल्यू फाइंड आउट कर दोगे। ठीक है, तो इस वैल्यू पे हम ज्यादा जोर नहीं देंगे, 40 मिली सेकंड है, 400 है, 200 है, वो जैसे जैसे आएगा ना आप 1000 से मल्टीप्लाई करके देखते रहना। ठीक है, तो 0.04 × 1000 करोगे तो क्या आ जाएगा, 40 मिली सेकंड। मीन इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, अगर वो हम सेकेंड्स में देखेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.04 सेकेंड या 40 मिली सेकेंड। ये किस एक्सिस पे बात की हमने, ये होती है एक्स एक्सिस, मीन्स हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, ये हॉरिजॉन्टल है। ठीक है,
हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हम किसको ट्रेवल करा रहे हैं, टाइम को, ठीक है। अपना टाइम किस में चल रहा है, सेकंड्स में चल रहा है या फिर मिली सेकंड में चल रहा है। अब हम चलते हैं वर्टिकल एक्सिस पे, हमने क्या किया, ये कर दिया एक्स एक्सिस, इस पे हमने ले लिया था टाइम, उसके बाद हमने लिया वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पे हमने क्या लिया वोल्टेज, ठीक है, क्योंकि सारा गेम खेल अपना क्या है, वोल्टेज का ही है और टाइम का है, कितने टाइम में कितना वोल्टेज किस डायरेक्शन में बना, कौन सी गेम में क्या रिपोर्ट है, बस इतना ही करना है। तो वोल्टेज देखेंगे हम, ठीक है, वोल्टेज जब ऊपर की तरफ चलेंगे ये वाला, ठीक है, तो यहाँ से और यहाँ के बीच में, यहाँ से यहाँ के बीच में होगा 0.1 मिलीवोल्ट, क्लियर है, यहाँ से यहाँ के बीच में होगा 0.1 मिलीवोल्ट। अब आप बताओ अगर इसका 0.1 मिलीवोल्ट है तो मैं इस पूरे का क्या करूंगा, यहाँ से यहाँ तक का क्या निकलना है, यहाँ से यहाँ तक का मीन 0.5 मिलीवोल्ट, 0.5 मिलीवोल्ट, वेरी गुड। ये हो जाएगा आपका इस पूरा लार्ज स्क्वायर का कितना होगा, 0.5 मिलीवोल्ट मीन्स एक। अब बताओ ये छोटे छोटे सारे मिलके ये वाली लाइन अपने क्या लार्ज स्क्वायर बना रही है, बिल्कुल बना रही है, ये वाली लाइन है, ये वाली जो लाइन है ये अपने पे लार्ज स्क्वायर दे रही है, ये लाइन अपने पे लार्ज स्क्वायर दे रही है। तो एक स्मॉल स्क्वायर की अगर हम बात करें, एक स्मॉल स्क्वायर की बात करें तो ये वाला क्या है 0.04 सेकेंड, ये अपना क्या बता रहा है 0.1 मिलीवोल्ट, ठीक है। तो ये अपना 0.1 मिलीवोल्ट, ऐसे ही 5 है तो 0.5 मिलीवोल्ट, और ये अपने को कितना बता रहा है 0.04 सेकेंड एक का, तो 5 का कितना होगा, अगर एक का 0.04 सेकेंड तो 5 का क्या होगा 0.20 मिलीसेकंड, 0.20 सेकंड, ठीक है 0.20 सेकंड। अब इसको आप क्या करोगे मिली सेकंड में बदलोगे तो 1000 से मल्टीप्लाई कर सकते, ये आ जाएगा आपका 200 मिलीसेकंड, क्लियर है, यस सर। वैसे भी आप कर सकते हो, ये 40 का था, ये 40 का था, ये 40 का था, ये 40 का था, 40 40 40 × 5 कर दो कितना आ जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा एक लार्ज स्क्वायर क्या आपको बता रहा है, पूरा एक लार्ज स्क्वायर बता रहा है कि भैया ये पूरा एक लार्ज स्क्वायर आपको क्या बता रहा है 0.2 सेकंड। बताओ क्योंकि बाद जीरो लिख सकता हूँ, नहीं भी लिख सकता हूँ, कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो 0.2 सेकंड का एक पूरा लार्ज स्क्वायर होगा, और ऊपर चलेंगे तो ऊपर क्या आपको मिलेगा 0.5 मिलीवोल्ट, क्लियर है सबको, यस सर। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में, नो सर। चलो तो ये सिंपल सी स्थिति पेपर है, जब भी आपके सामने स्थिति पेपर आएगा सेम ऐसा ही आएगा, आप उठा के देख लेना, जो नीचे की लाइन है वो बताएंगे आपको 0.04 सेकंड, एक स्मॉल स्क्वायर की बात कर रहा हूँ, ठीक है, और एक स्मॉल स्क्वायर में जो ऊपर की तरफ जाएगा वो आपको बताएगा 0.1 मिलीवोल्ट। फिर ऐसे ही एक एक स्मॉल स्क्वायर मीन टोटल 25 स्मॉल स्क्वायर मिलकर एक लार्ज स्क्वायर बनाएंगे, वो लार्ज स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी 0.2 सेकंड डाउनवर्ड में, जब अपवर्ड में आप मिलीवोल्ट में देखोगे तो आएगी 0.5 मिलीवोल्ट, ठीक है। ये पूरी एक ईसीजी पेपर सेम वैसा ही रहता है। चलो अब देखते हैं, जो आपके पास ईसीजी पेपर आया है, इस ईसीजी पेपर में जो ईसीजी मशीन है ना, वो ईसीजी मशीन को करेक्ट करने के लिए आप कैसे कहोगे कि ईसीजी मशीन सही है, उसके लिए भी कुछ आइडिया होना चाहिए, ठीक है। सपोज अगर मैंने एक ईसीजी मशीन लिया, मैंने उससे ईसीजी ग्राफ बना दिया, ठीक है, ईसीजी ग्राफ बना के मैं वो लेके अपने सामने देख रहा हूँ, तो उसके पहले अपने आप को ये क्लियर होना चाहिए कि ये मशीन सही है, उसको बोलते हैं स्टैंडर्डाइजेशन, मशीन का स्टैंडर्डाइजेशन चेक करते हैं, ठीक है। तो मशीन अपना स्टैंडर्डाइजेशन खुद बना के दे देती है कि भाई मैं सही हूँ या गलत हूँ, वो बस आपको देखना रहता है। आप जैसे स्टैंडर्डाइजेशन देखोगे आपको क्लियर हो जाएगा कि मशीन सही है या गलत है, अगर मशीन सही बता रही है स्टैंडर्डाइजेशन अपना तो ठीक है, आप उसी पेपर को आप रीड करो, आपको सही जानकारी मिलेगी। लेकिन जैसे ही मशीन ने क्या किया अपना स्टैंडर्डाइजेशन गलत बताया, तो आपको पहले ही अवेयर हो जाना चाहिए कि ये ईसीजी मशीन सही नहीं है, इसका स्टैंडर्डाइजेशन ठीक करवाओ, फिर जाके इससे रीडिंग लो, अदरवाइज आप क्या करो कोई और मशीन वहां पे ले आओ उससे चेक करो, ठीक है। स्टैंडर्डाइजेशन जब आप देखोगे ना मशीन का, किसका देखोगे मशीन का, ईसीजी मशीन का स्टैंडर्डाइजेशन देखते हैं, मीन सिंपल वे में क्या मशीन कह रही है कि मैं ठीक हूँ या नहीं, ठीक है। स्टैंडर्डाइजेशन आप देखोगे ना तो जो आपके पास स्मॉल स्क्वायर बन रहे थे ना, सारे स्मॉल स्क्वायर कितने 25 मिलके 25 मिलके,
ये एक लार्ज स्क्वायर बन गया, ये पूरा क्या बना एक लार्ज स्क्वायर, ये भी एक पूरा क्या बना लार्ज स्क्वायर। अब इसके अंदर 25 स्मॉल स्क्वायर है, इसके अंदर 25 स्मॉल स्क्वायर है, ठीक है। तो जैसे ही आप मशीन दबाओगे, मशीन को ऑन करोगे, स्टार्ट मशीन दबाओगे, पीछे एक स्विच रहता है, स्विच ऑन करो, उसके बाद उसमें लाइट्स जल जाती है, लाइट्स क्लियर होने के बाद मेन लाइट जल जाती है, मेन लाइट बनने के बाद आप लीड लगा दो, लीड लगाने के बाद आप उस पे एक स्टार्ट बटन रहता है उसको प्रेस करो, स्टार्ट बटन प्रेस करोगे तो वो ईसीजी पेपर देना स्टार्ट कर देगा। ईसीजी पेपर के या तो जब पूरे स्टार्टिंग में, जैसे ईसीजी पेपर यहाँ सपोज करके एक पूरा ईसीजी पेपर है, ठीक है, तो ईसीजी पेपर के स्टार्टिंग में ही आपको यहाँ पे स्टैंडर्डाइजेशन दिखेगा, ऐसे दिखता है, पता नहीं किसी ने देखा है कि नहीं, किसी ने देखा है आपको ऐसे दिखेगा, या फिर लास्ट में आपको ऐसे दिख जाएगा। इसको कहते हैं ईसीजी मशीन की स्टैंडर्डाइजेशन, या तो पेपर की स्टार्टिंग में दिख जाएगा या पेपर के लास्ट में। ये क्या चीज बता रहा है, ये बता रहा है ऐसे वोल्टेज को ही बताता है, ठीक है। अब देखो क्या बता रहा है, ये 25 था, ये 25 था, मतलब ये एक लार्ज स्क्वायर था, ये एक लार्ज स्क्वायर था, ये जो ईसीजी मशीन की स्टैंडर्डाइजेशन है वो जस्ट इसके इक्वल में होती है। अब बताओ ईसीजी मशीन की अगर स्टैंडर्डाइजेशन की, मशीन की किसकी स्टैंडर्डाइजेशन की हम क्या देख रहे हैं, वोल्टेज देख रहे हैं, तो वोल्टेज बताओ कितना आना चाहिए, बताओ ये पूरा वोल्टेज कितना होगा, यहां से लेके यहां तक का एक वोल्ट, तो पूरा जो स्टैंडर्डाइजेशन होता है वो कितने का होता है, 1 वोल्ट का। स्टैंडर्डाइजेशन की वैल्यू कितनी जाएगी आपकी, 0.5 + 0.5 कितना हो जाएगा, 1 वोल्ट का, ठीक है, 1 मिलीवोल्ट का, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये 0.5 मिलीवोल्ट मिलेंगे तो 1 मिलीवोल्ट का स्टैंडर्डाइजेशन आपको देखने को मिल जाएगा, क्लियर है। तो जैसे ही आप ईसीजी मशीन दोगे ना, अब बताओ ये 0.5 मिलीवोल्ट मिला था, ये किससे मिला था, एक लार्ज स्क्वायर से, और ये भी मिला था अपने को एक लार्ज स्क्वायर से। तो जैसे ही आप ईसीजी मशीन स्टार्ट करोगे ना, आपको सेम ऐसे ही बना के देगा, या तो स्टार्टिंग में देगा या बाद में देगा, ऐसे ही बना के दे देगा। कभी आप आज जाके देखना, आज आपको ईसीजी मशीन मिले तो ईसीजी पेपर मिले तो आप जाके देखना, ऐसे ही बना के दे देगा आपको, ऐसे देगा। कोई इंसान है पैर से चल रहा है, हाथ उसके गायब है, भाई ये उसके पैर है, हाथ नहीं है उसके पास, वो चल रहा है। तो इस चीज को आप देखते से ही जान देना कि ये ईसीजी मशीन ने अपनी स्टैंडर्डाइजेशन दी है। अब स्टैंडर्डाइजेशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 0.5 मतलब 1 मिलीवोल्ट ये बनना चाहिए, 1 मिलीवोल्ट बनना चाहिए, मतलब दो लार्ज स्क्वायर इसके अंडर में आने चाहिए। तो एक लार्ज स्क्वायर ऐसे आ जाएगा, एक लार्ज स्क्वायर ऐसे आ जाएगा, ठीक है। अगर ये जो इसकी अपवर्ड में डायरेक्शन जा रही है, ठीक है, जो अपवर्ड इसका डिफ्लेक्शन है, ये अगर आपको दो लार्ज स्क्वायर दिख रहा है, कितना, दो लार्ज स्क्वायर पर दिख रहा है, तो मशीन का स्टैंडर्डाइजेशन सही है। अगर सपोज दैट ये 1.5 दिख रहा है, तो मशीन का स्टैंडर्डाइजेशन गड़बड़ है, ठीक है। अपने को क्या करना रहता है, लार्ज और स्मॉल स्क्वायर सही अपने को काउंट करना रहता है, निकालना रहता है, ठीक है। तो आप सीधा सा क्या करोगे, कुछ नहीं करोगे। कभी कभी क्या होता है, देखो मैं तो सीधा सीधा सा बना रहा हूँ, कैसे बना रहा हूँ, और एक स्मॉल स्क्वायर, एक लार्ज स्क्वायर को यहाँ से बना रहा हूँ, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, इन दोनों के बीच में आ जा रहा है। कभी कभी क्या होगा कि थोड़ा नीचे से बनेगा, कोई जरूरी नहीं है कैसा बने, ये जो स्टैंडर्डाइजेशन है, सपोज दैट एक लार्ज स्क्वायर यहाँ से बना, ठीक है, इस लार्ज स्क्वायर का आधा ही तो इसमें आया, ठीक है, फिर उसके बाद एक यहाँ पे बन जाएगा, ये पूरा आ जाएगा, ठीक, फिर ऊपर वाले का थोड़ा सा आधा इसमें आ जाता है, तो तीन लार्ज स्क्वायर है। लेकिन देखोगे तो ऊपर वाले का, तीसरे वाले का क्या बस आधा ही आ रहा है, और नीचे पहले वाले का क्या बस आधा ही आ रहा है, तो ये आधे या आधे मिलकर एक लार्ज स्क्वायर बन गए, और बीच में एक ये वाला लार्ज स्क्वायर हो गया। तो भी अगर इसकी आप देखोगे तो क्या होगा, 2 लार्ज स्क्वायर। अरे समझ में आया, यस सर। वो क्या होता है, जब पेपर उसमें रोल में लगाते हैं ना, तो जो ईसीजी मशीन का जो क्या है, गैल्वेनोमीटर है, जो क्या करेगा, उसे प्रिंट करेगा, जो पॉइंटर लगा रहता है प्रिंट करेगा, तो कभी कभी पेपर ऊपर नीचे हो जाता है। तो कोई जरूरी नहीं है कि आपको एग्जैक्ट पीसी लाइन पे ही रीड मिलेगा, थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, अपने को उससे मतलब ही नहीं है। अपने को क्या करना है कि पूरे 2 लार्ज स्क्वायर आना चाहिए। पूरे 2 लार्ज स्क्वायर आने का मतलब क्या है, आपके पास कितने मिलीवोल्ट होना चाहिए, 1 मिलीवोल्ट, ठीक है। अब 1 मिलीवोल्ट के लिए आपको क्या होना चाहिए, एक लाइन ऐसे थी, एक ऐसे थी, एक ऐसे थी, एक ऐसे, ऐसे एक में कितनी थी, 5 लाइन, 1 2 3 4 5, ये मान लो 5, 1 2 3 4 5, ज्यादा बन गया क्या,
ज्यादा हो गया, ठीक है अब पांच हो गई, एक दो तीन चार पांच, ठीक है फिर ऊपर में पांच गिन लो, एक दो तीन चार पांच। तो आपको क्या करना है, जैसे स्टैंडर्डाइज देखोगे, स्टैंडर्डाइज देखने के बाद आप क्या करो, एक बड़ा सा लार्ज स्क्वायर देखो, बड़े लार्ज स्क्वायर को देखो, इसमें पांच लाइन गिनो, एक दो तीन चार पांच, ठीक है ऊपर वाले के स्क्वायर में गिनो, एक दो तीन चार पांच। अगर दस लाइन तक है ये स्टैंडर्डाइजेशन किसी भी तरह से दस लाइन तक है, ठीक है दस लाइन तक, ये डार्क लाइन है ना, डार्क लाइन के अंडर में हल्की सी फेड कलर की लाइन रहती है, ठीक है फेड कलर की रहती है, पूरी डार्क नहीं रहती, ये फेड वाली लाइन आपको गिनना है, एक दो तीन चार पांच, एक लाइन स्क्वायर पांच, फिर ऊपर से एक दो तीन चार पांच, ठीक है तो दस होगी, दस होगी तो अपने पास क्या हो गया, एक कितना बता रही थी 0.1, तो ऐसे ही दस होगी तो क्या हो गया 1 मिलीमीटर। कुछ नहीं करना है, जैसे स्टैंडर्डाइजेशन निकल गया है आपको सीधा उसके देखना है, अच्छा 10 तक है ये, ठीक है 10 लाइंस तक है तो ओके है, अगर 10 लाइंस से नीचे है, ठीक है 10 लाइंस में बोल रहा हूँ तो उसका मतलब क्या होगा 1 मिलीमीटर, अगर 1 मिलीमीटर से क्या है नीचे है तो स्टैंडर्डाइजेशन आपका ठीक नहीं है, अगर 1 मिलीमीटर से ज्यादा है तो भी आपका स्टैंडर्डाइजेशन ठीक नहीं है, मतलब मशीन में कुछ गड़बड़ी है, मशीन को सही कराओ फिर उससे जाके ईसीजी निकालो। अब देखना क्या होगा, सपोज दैट मान लो आपके पास कोई इमरजेंसी है, आपके पास कोई मशीन है, आप उसकी मशीन बना नहीं सकते उस टाइम पे, ठीक है और जैसे ही आपने स्टैंडर्डाइजेशन चेक किया तो स्टैंडर्डाइजेशन में ये स्टैंडर्डाइजेशन आपको ओनली 1 लार्ज स्क्वायर तक दिखा, कितना दिखा 1 लार्ज स्क्वायर तक, मतलब कितना हो गया 0.5 मिली वोल्ट। अब क्या करोगे आप इस टाइम पे भी चेक कर सकते हो, बस क्या होगा कि जो भी वेव्स बनेंगे ना, जो भी वेव्स अपवर्ड या डाउनवर्ड बनेंगे उनकी जो हाइट रहेगी वो हाफ दिखेगी आपको। सपोज दैट लीड टू में आपको पी वेव इतनी बड़ी दिख रही थी, तो ये पी वेव की मान लो आपको ये जो अपवर्ड रिफ्लेक्शन था ये आपका पी वेव पर मिलना चाहिए 2.5 स्मॉल स्क्वायर, ठीक है 2.5 स्मॉल स्क्वायर ऊपर दिखना चाहिए, इसका मतलब समझ रहे हो क्या हो रहा है जो मैं एक बार आपको बताया, एक दो तीन चार ये हो गया पांच, एक दो तीन चार ये हो गया पांच। अब पी वेव पता है कैसे स्टार्ट करेगी, पी वेव की तो ऐसे जो टाइम ट्रेवल देखेंगे तो टाइम ट्रेवल भी 2.5 स्मॉल स्क्वायर होता है और अपवर्ड भी 2.5 स्मॉल स्क्वायर होता है, तीन तक हम नॉर्मल मान लेते हैं, तो पी वेव सपोज एक दो और तीन, तीन स्मॉल स्क्वायर है तो पी वेव यहाँ से स्टार्ट होगी, ठीक है ऊपर कहाँ तक जाएगी एक दो तीन तो ढाई तक जाएगी, पी वेव यहाँ से स्टार्ट हुई ऐसे ढाई तक जाएगी, देखो एक दो और ढाई तक जाएगी, दो के बाद यहाँ तक जाएगी, ठीक है और नीचे भी कितना जाना चाहिए इसको ढाई तक, एक दो तीन, तो लगभग एक दो तीन यहाँ पे आके मिल जाना चाहिए, देखो यहाँ पे आके पी वेव मिल गई, ठीक है ये नॉर्मल पी वेव होगी। देखो पी वेव का जब ऊपर की तरफ रिफ्लेक्शन देखोगे एक दो और ये देखो तीसरे वाले का आधा है तो कितना है 2.5 स्मॉल स्क्वायर, नीचे भी देखोगे तो आपका कितना हो जाएगा लगभग 1, 2 एंड ये हाफ, ये हो जाएगा 2.5 स्मॉल स्क्वायर, ठीक है तो लगभग 2.5 ऊपर 2.5 नीचे, लेकिन आपने जैसे स्टैंडर्डाइजेशन चेक किया आपको स्टैंडर्डाइजेशन क्या मिला हाफ 1/2 मिला, अपने को 0.1 मिलना चाहिए था, 0.1 मिलीवोल्ट मिलना चाहिए था लेकिन 0.5 मिला, तो इस टाइम पे पी वेव 1.5 का आधा मिलेगा यहाँ तक आपको मिलेगा, ठीक है क्लियर है, जो ऊपर नीचे डिफ्लेक्शन है ये कम मिलेगा। तो आप ऐसे भी देख सकते हो कि हाँ चलो हम ऐसे थोड़ा बहुत एक आइडिया लगा सकते हैं कि हाँ ठीक ठाक है, अगर किस कंडीशन में आपको नई ईसीजी मशीन नहीं मिल रही है तो, या इस तरह ईसीजी मशीन नहीं मिल रही है तो आप इस तरह से आइडिया लगा सकते हो, लेकिन चांसेज है कि ये भी गड़बड़ रहे, ठीक है इसे कंप्लीट मत मान लेना, एक आइडिया आप लगा सकते हो मोटा मोटा कि हाँ ठीक ठाक सा है, ठीक है आपको एटलीस्ट क्या करना पड़ेगा इस दूसरी ईसीजी मशीन से उसका ईसीजी ग्राफ निकालना पड़ेगा, ठीक है चलो। तो आपने क्या देखा स्टैंडर्डाइजेशन, अब क्या करते हैं, अब कोई भी पेशेंट आपके पास आया, ठीक है आपने क्या किया उस पेशेंट को लगाया ईसीजी मशीन, ठीक है ईसीजी मशीन लगा के आपने उसकी ईसीजी ग्राफ निकाला, ठीक है ईसीजी ग्राफ निकालोगे तो आपके सामने जो ईसीजी ग्राफ आएगा ना उसमें आपको सबसे पहले क्या क्या चीजें चेक करनी रहेंगी, अभी तक आपने जो पढ़ा क्या क्या चेक करोगे बताओ मुझे, सबसे पहला रूल अपना क्या होना चाहिए उसमें, क्या मैं चेक करूंगा कोई भी, हेलो लीड सही लगी है ना, बिल्कुल लीड सही लगी है कि नहीं, कौन कौन सी लीड, लिम्ब लीड एंड चेस्ट लीड, आपके पास जैसे ही पेपर आया आप पेपर में क्या चेक करोगे लीड सही लगी है कि नहीं, क्लियर है।
उसके बाद क्या चेक करोगे? स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन बिल्कुल, स्टैंडर्डाइजेशन क्या करोगे? चेक करोगे कहीं ईसीजी मशीन तो नहीं खराब है। अगर ईसीजी मशीन ही खराब होगी तो हम निकाल के क्या कर पाएंगे, उसको रीड करेंगे, वो गलत हमें इन्फॉर्मेशन देगी। तो सबसे पहले आप क्या चेक करोगे, लीड मिल गया, लीड चेक कर दो, आपको लीड देख लो, ए बी आर एंड सेकंड लीड या फर्स्ट लीड एंड ए बी आर एक दूसरे का अपोजिट है कि नहीं, और ए बी आर क्या डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन दिखा रहा है कि नहीं, मतलब लीड सही लगा है। फिर तुरंत बी वन बी टू बी थ्री बी फोर बाई बी फाइव सिक्स को देखो, उसमें क्या आर वेव बढ़ रहा है कि नहीं, बढ़ रहा है तो लीड सही है, मतलब जिस बंदे ने निकाला है उसने इतना काम तो सही किया है कि लीड सही लगा दी। उसके बाद आप क्या करोगे, स्टैंडर्डाइजेशन चेक करोगे, भैया मशीन तो नहीं खराब है, मशीन नहीं खराब, उसके लिए आपने जैसे वो स्टैंडर्डाइजेशन वाला देखा, ठीक है ये अपने को 1 mV का डिफ्लेक्शन बता रहा है तो ठीक है, मशीन भी सही है। उसके बाद मेन इंपॉर्टेंट क्या देखोगे, आप देखते हैं स्पीड, क्या देखते हैं स्पीड, जो पेपर है आप किसी भी मशीन को चालू करोगे तो वो देखना है कि स्पीड से बाहर निकलेगा, ठीक है। पेपर जब भी आप मशीन चालू करोगे तो धीरे 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 कंटिन्यूअस स्पीड से वो बाहर प्रिंट होके निकलता रहता है। तो नॉर्मल पेपर जो प्रिंट होकर निकलता है उसकी स्पीड रहती है 25 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, ये 25 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से पेपर बाहर आ रहा है, ये वैल्यू आपको सपोज दैट ये ईसीजी पेपर है, ये वैल्यू आपको ईसीजी पेपर के नीचे यहाँ पे 25 मीटर पर सेकेंड लिखा मिल जाएगा, ठीक है। आप ईसीजी पेपर आप जाके घर पे देखना, जिसके पास होगा नीचे पक्की स्पीड मिलेगी आपको, गारंटी के साथ स्पीड मिल जाएगा कि ये 25 मीटर पर सेकंड का रिकॉर्ड हुई है या 50 मीटर पर सेकंड का रिकॉर्ड हुई है, क्लियर है। तो हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं, मशीन में एक पॉइंट रहता है वहां से हम एक स्विच रहता है वहां से इसको एडजस्ट कर सकते हैं 25 मीटर पर सेकंड पे या 50 मीटर पर सेकंड। तो जैसे ही आपको ईसीजी मशीन का पेपर मिला, ईसीजी ग्राफ मिला, ईसीजी ग्राफ मिलते से आप क्या चेक किया, हमने लीड चेक किया, लीड में क्या चेक किया, आपका जो एबीआर था ये एबीआर में क्या दिखी, नेगेटिव रिकॉर्डिंग, ठीक है। ये एबीआर में क्या दिया था आपको, नेगेटिव रिकॉर्डिंग, जबकि यहाँ पे लीड सेकंड लीड फर्स्ट में क्या दिया था आपको, पॉजिटिव रिकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया था, वी वन टू लेके वी सिक्स तक चेक किया था, इसमें क्या था, आर वेव बढ़ रहा था। उसके बाद आपने क्या किया, इसकी स्पीड चेक कर ली, स्पीड चेक करने के बाद आपने क्या किया, इसका जो लास्ट में क्या था आपने को मिला था, स्टैंडर्डाइजेशन आपने चेक कर लिया, ठीक है। अब इतनी चीजें चेक करने के बाद कुछ कुछ आपको क्लियर हो गया कि हाँ ये ठीक ठाक सा है ईसीजी, ठीक है। अब ये सारी चीजें आप चेक कर लिए, इसके बाद क्या चेक करोगे, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट आप क्या चेक करोगे, पेशेंट का डेमोग्राफिक डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है जब आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हो तो किसी का ईसीजी कोई लेके घूम रहा है, तो ये गलती आप मत करना। पेशेंट का डेमोग्राफिक डेटा में क्या देखना है आपको, पेशेंट का नेम देखना है, पेशेंट का एज देखना है, पेशेंट का सेक्स देखना है। सपोज दैट रमेश नाम से दो बंदे हैं, अब रमेश नाम से दो बंदे हैं, एक को सपोज दैट मान लो एलवीएफ है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेल्योर है, उसकी ईसीजी दूसरा वाला रमेश लेके घूम रहा है जिसके पास कुछ भी नहीं है, वो नॉर्मल अटका है, आप उसको दवा दिए जा रहे हो, उसका ट्रीटमेंट किया जा रहा है, तो सबसे पहले आपको पेशेंट की डेमोग्राफिक डेटा जरूर चेक कर दिया है कि नेम क्या है उसका, ठीक है, नेम रमेश है, उसके साथ में सपोज दैट टाइटल क्या है, बेड उसका नंबर क्या है, वार्ड क्या है, ठीक है, कहीं और का किसी और का चेक करके आप दवा दे रहे हैं। अगर उसके पास कोई पहले से दूसरी ईसीजी पड़ी हुई है तो ये जरूर आप देखना कि भाई आपके पास अगर पहले से ईसीजी पड़ी है तो उस ईसीजी में क्या दिक्कत है, अगर पड़ी है तो वो ईसीजी आपको जरूर देखना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सब कुछ छोड़ो ये कहानी जो आपने बताई थी, सबसे पहले आप पेशेंट का क्या देखोगे, नाम देखना, नाम देखने के बाद अगर उसके पास कोई ईसीजी पड़ी है तो ईसीजी को देखो कि पहले ईसीजी में क्या दिक्कत थी। उसके बाद आप उसको एज देखो, एज क्यों देख रहे हैं हम, 18-20 साल का रहा, 25 साल का रहा तो ज्यादातर हार्ट प्रॉब्लम्स नहीं होती है, लेकिन जैसे ही एज बढ़ेगी 50-60 आएगी तो चांसेस है आपको 100% की क्या आपको 50 के या 60 में आपको क्या मिलेंगी, हार्ट प्रॉब्लम्स पक्की मिलेंगी, ठीक है। एज देखो, अगर 18-25 साल का है तो ठीक है ईसीजी देख लो, ज्यादा डाउट में नहीं रहो क्योंकि 18-25 साल में नहीं ज्यादा डाउट किसी को हार्ट प्रॉब्लम का, लेकिन 50-60 में है तो तुरंत एक्टिव हो जाओ, 50-60 में है मतलब हो सकता है इसको दिक्कत है, तुरंत एक्टिव हो जाओ, अच्छे से ईसीजी देखो, ये नहीं कि 18-25 साल में अच्छे से मत देखो, इसमें भी देखो लेकिन चांसेस कम रहेंगे, लेकिन 50-60 में आपको बहुत क्लियरली देखना पड़ेगा कि हाँ कुछ तो दिक्कत हो सकता है इसको, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, आप सेक्स देखोगे, क्या देखोगे, मेल है कि फीमेल है। अब बताओ ये क्यों देख रहे हैं, कोई भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सेक्स क्यों देख रहे हैं, कोई भी, हेलो सुन रहे हैं आप,
सर आप ही बता दो। अच्छा नहीं पता है क्या? देखो जो मेल है ना, मेल में हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन के चांसेस ज्यादा रहते हैं, जबकि फीमेल में कम चांसेस रहते हैं। तो मेल आपके पास कोई ईसीजी लेके आया तो उसको हाइपरटेंशन है, हाइपरटेंशन होगा तो अभी मैं अगर आपको बताऊंगा हाइपरटेंशन में क्या होता है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होगा। हाइपरटेंशन में आपको मोस्ट चांसेस में आपको लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होगा। लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी काफी लंबे टाइम से रहा तो लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेल्योर होगा। लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेल्योर होगा तो बंदा आपको कार्डियक अरेस्ट में जा सकता है, कार्डियक अरेस्ट में जाएगा, ठीक है। तो हाइपरटेंशन यूजुअली मेल्स में आपको मिलता ही मिलता है, तो इसलिए हम सेक्स का देखते हैं फीमेल का, फीमेल कम चांसेस है मिलने के, मेल में ज्यादा चांसेस है, ठीक है। अब ये सारी चीजें आपने क्या किया, पेशेंट के डेमोग्राफिक डेटा में आपने चेक कर लिया, क्या क्या चेक कर लिया, नेम चेक कर लिया, एज चेक कर लिया, सेक्स चेक कर लिया उसका। उसके बाद पेशेंट डेमोग्राफिक डेटा चेक कर लिया, उसके बाद आप क्या कर लोगे, स्टैंडर्डाइजेशन चेक कर लो, स्टैंडर्डाइजेशन के बाद आप क्या करोगे, लीड्स चेक कर लो, लीड्स चेक सही से लगी है कि नहीं लगी है, इसके बाद आप क्या करोगे, उसकी स्पीड चेक कर लो, ठीक है। ये सारी चीजें आप क्लियर कर लो, ठीक है। तो पेशेंट का डेमोग्राफिक चेक कर लो, स्टैंडर्डाइजेशन चेक करो, मशीन सही है कि नहीं है, उसके बाद क्या करोगे, लीड्स चेक करो, सही पुटअप किया है कि नहीं, क्या कोई गलत लीड नहीं लगी है, उसके बाद क्या करोगे, स्पीड चेक कर लो, स्पीड सही सलामत है कि नहीं। अब देखो मैंने बताया था स्पीड में 50 मीटर पर सेकेंड, 50 मीटर पर सेकेंड स्पीड पे भी हम रिकॉर्डिंग करते हैं, कब करते हैं, जब आपका हार्ट रेट, क्या हार्ट रेट लगभग कितना चल रहा हो, 200 या 250 के ऊपर चल रहा है, 250 के आसपास अगर हार्ट रेट आपका चल रहा है तो आप 50 मीटर पर सेकेंड पे रिकॉर्ड करके करो, ठीक है। इतना पे करोगे तो पेपर थोड़ा जल्दी जल्दी आएगा, क्योंकि हार्ट रेट बहुत जल्दी चल रहा है, बहुत जल्दी चल रहा है, पेपर धीरे धीरे आएगा, धीरे धीरे आएगा तो मे भी रिकॉर्डिंग थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकती है, पास पास पे रिकॉर्डिंग हो सकती है, इसलिए स्पीड बढ़ा दो, क्योंकि हार्ट रेट बढ़ गया इसलिए स्पीड बढ़ा दो, 250-300 हार्ट रेट चल रहा है तो स्पीड बढ़ाओ तुरंत, ठीक है। स्पीड बढ़ा कर रिकॉर्ड करोगे तो जल्दी जल्दी पेपर आएगा, जल्दी जल्दी रिकॉर्डिंग चलेगी, तो उसमें अच्छे से आने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। कभी भी आपको कोई पेशेंट मिले ना 200-250 पे निकाल के देखना, इसमें थोड़ा सा क्लियर दिखेगा, इसमें थोड़ा सा आपको क्लियर दिखेगा, ठीक है। ये सारी चीजें आप कर देना। अब इतनी चीजें जैसे ही आपको ईसीजी पेपर मिल गया, ईसीजी पेपर मिलते ही सबसे पहले कुछ मत करो, ईसीजी पेपर आपके हाथ में आया फटाक से देखो पेशेंट का नाम क्या है, एज क्या है, सेक्स क्या है, ठीक है। ये चीजें देखने के बाद आप क्या करो, मशीन का स्टैंडर्डाइजेशन चेक करो, स्टैंडर्डाइजेशन चेक करने के बाद आप क्या करो, लीड चेक करो, लीड चेक करने के बाद आपको क्या करना है, स्पीड चेक करो, स्पीड चेक करने के बाद सब कुछ क्लियर नॉर्मल मिल गया, फिर आप आगे बढ़ो। अब आगे बढ़ोगे तो क्या आप चेक करोगे, हार्ट रेट, रिदम, ये सारी चीजें आप फाइंड आउट करोगे कि हार्ट रेट कितना चल रहा है उसका। हार्ट रेट हम ईसीजी पेपर से ही बता देते हैं, ठीक है, हार्ट रेट ईसीजी पेपर में देख के आप बता दोगे। वैसे भी हार्ट रेट लगभग पल्स रेट के बराबर होता है, आप क्या करते हैं यूजुअली यहाँ पे रखते हैं थ्री फिंगर मेथड से इसको फाइंड आउट कर देते हैं कि एक मिनट में कितनी बार पल्स हमें मिलता है। तो लगभग हार्ट रेट पल्स रेट अगर नॉर्मल कंडीशन, कोई बीमारी नहीं है, कोई भी पैथोलॉजिकल कंडीशन नहीं है, तो पल्स रेट एंड हार्ट रेट लगभग सब इक्वल आते हैं, ठीक है। तो आप क्या करोगे, कोई ऐसे पेशेंट आया तो यहाँ पे रखते हैं, आप चेक कर लेते हो, अच्छा पल्स रेट इसकी 70 पर मिनट चल रही है, ठीक है, तो वही लगभग हार्ट रेट होता है, तो हार्ट रेट भी मान लो 70 पर मिनट चल रही है। लेकिन हम क्या करेंगे, ईसीजी पेपर को देख के फाइंड आउट कर लेंगे कि हार्ट रेट क्या चल रही है इसकी, तो ये कब करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको एक बार समराइज होनी चाहिए, क्या क्या देखोगे, अब आप क्या कर रहे हो, आप ईसीजी पेपर धीरे धीरे पढ़ना शुरू कर रहे हो, आप अभी तक तो आपने जो भी पीछे पढ़ा वो सारी बेस थे, सब कुछ बेस था, वो आगे काम आएंगे आपको, जो भी हमने बेस बनाया, कैसे रिकॉर्डिंग चल रही है, सब कुछ वो आगे काम आएगा। लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में हम किस पे आ गए, पेपर पे आ गए, धीरे धीरे पेपर रीड करना स्टार्ट करें, क्लियर है सबको, यस सर, यस। चलो पेपर बता दो, पेपर आया तो क्या देखोगे, सबसे पहले पेपर आया तो क्या देखोगे, पेशेंट का डेमोग्राफिक डेटा, उसके बाद क्या देखोगे, स्टैंडर्डाइजेशन, उसके बाद क्या देखोगे, लीड चेकिंग, उसके बाद क्या देखोगे आप, स्पीड देखोगे। ये सारी चीजें चेक करने के बाद आप फर्दर क्या करोगे, फिर उसके बाद वेव्स पे जाओगे, टी वेव, टी वारस, इन सारी चीज में कोई डिफेक्शन है कि कोई गड़बड़ी है कि नहीं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कुछ करेंगे। अभी तक बताओ किसी को, एक सिंगल बंदा किसी को कोई दिक्कत, किसी को, चलो तो आप ये जो अभी पीछे का हुआ है सब कुछ पढ़ के आए, क्योंकि आगे हम रेट रिदम अब की